अलहम्दुलिल्लाह जी, विडग्राम में चेयर लिफ्ट में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। पाक फ़ौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है और हम सलाम पेश करते हैं पाक फ़ौज के SSG के कमांडोज़ को, जिन्होंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मुकम्मल किया है। तमाम अफराद को बाहिफाजत जो रेस्क्यू कर लिया गया है। ज़िला विडग्राम के इलाका में 900 फुट की बुलंदी पर चेयर लिफ्ट में कई घंटों से फंसने वाले 8 अफराद में से बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है। पाक फ़ौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक जो है वो बटग्राम ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल और तमाम 8 अफराद, क्योंकि 7 इसमें तालिब इल्म थे, बच्चे थे और एक टीचर था, 8 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है। मकामी इंतज़ामिया और केबल ऑपरेटर्स जो ऑपरेटर्स की मदद से इस मामले में जो है वो अहम इस हवाले से जो है वो रही। और ISPR के मुताबिक जो है बटग्राम में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो GOC SSG की क्यादत में शुरू हुआ और जिसमें चेयर लिफ्ट में फंसे अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। ISPR के मुताबिक जो है वो रेस्क्यू किए गए तमाम अफराद को बाहिफाजत मकाम पर, महफूज मकाम पर जो है मुंतकिल कर दिया गया है। और आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने उनकी खसूसी हिदायत पर जो है आर्मी एविएशन और SSG के बासलाहियत टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन का उससे तेज़ी से उसका आगाज़ किया था। और पाक फ़ौज की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG की जानिब से जो है और पाकिस्तान एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन में जो है वो शामिल हुआ। और पाक फ़ौज की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG ने जो है वो तकनीकी मदद जो है फरहाम की, जिसके बायस ऑपरेशन की कामयाबी मुमकिन जो है वो हो सकी। और रेस्क्यू अमल के दौरान पाक फ़ौज और फ़ज़ाइया के पायलट्स ने बेमिसाल महारत और कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुंचाने में लोकल केबल एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने भी जो है वो खिदमात उनकी भी हासिल जो हैं वो की गई। और इस इंतहाई मुश्किल और कठिन ऑपरेशन में सिविल इंतजामी और मकामी लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लिया। पाक फ़ौज की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की जो टीम है उन्होंने पाक फ़ज़ाइया लोकल इंतजामी और केबल एक्सपर्ट्स की मदद से पाकिस्तानी तारीख के इस मुनफरद ऑपरेशन को सर अंजाम देकर अपनी सलाहियतों का लोहा जो है वो मनवाया है। बहुत मुश्किल ये ऑपरेशन था, बहुत सेंसिटिव ये ऑपरेशन था, जिसे जो है वो मुकम्मल किया गया है और चंद घंटों के अंदर जो ऑपरेशन है उसे मुकम्मल कर लिया गया और बाहिफाजत जो है वो महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। JOC की निगरानी में पाक फ़ौज की कमांडोज ने रेस्क्यू ऑपरेशन की आखिरी कोशिश की और हिकमत अमली तब्दील करके आधे घंटे के दौरान 8 अफराद को रेस्क्यू किया है और इन्हें फिर हंगामी तिबी इमदाद के लिए आर्मी के जो मेडिकल कैंप्स हैं वहाँ पर इन्हें जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। उन्हें तिबी इमदाद फराहम की गई। पहला जो मरहला था उसके अंदर जो है वो जो फंसे हुए तमाम अफराद थे उन्हें खुराक फराहम की गई थी, मेडिसिन फराहम की गई थी, जिसके बाद दूसरे मरहले के अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे मुकम्मल कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका मंसेरा बालाकोट नूर वैली में नसब दुनिया की बुलंद और एशिया की लंबी ज़िप लाइन के 3 इमदादी जो माहिर हैं वो वकुआ पर पूरी तैयारी के साथ पहुँचे और उन्होंने जो है वो अंधेरा कम होने और हेलीकॉप्टर के ज़रिए ऑपरेशन बंद होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा जो है वो लिया। और अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो गया है और पाक फ़ौज के SSG के जो कमांडोज हैं उन्होंने ये ऑपरेशन किया है और तमाम जो इस 8 अफराद जो फंसे हुए थे उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और सुबह 8 बजे 7 बच्चे 1 उस्ताद स्कूल जाने के लिए सवार इस जो है वो लिफ्ट में हुए थे और ये लिफ्ट जो है वो रास्ते में बंद हो गई और इस केबल कार के 3 जो तार थे जिनमें से 2 टूट चुके थे और सिर्फ 1 तार से चेयर लिफ्ट जो है वो हवा में रुकी हुई थी। फंसने वाले लिफ्ट तकरीबन 2000 मीटर की बुलंदी पर हवा में जो है वो मौजूद थी और जिसके सबब मकामी लोग इमदादी कार्रवाइयों से कासिर थे और ऐसे में पाक फ़ौज के 2 हेलीकॉप्टर SSG कमांडोस ने फौरी तौर पर जो है इमदादी ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ किया और अब ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया गया है।
और बड़ी महारत के साथ ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल किया गया है और बिरग्राम चेयर लिफ्ट में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। तो नाज़रीन, वीडियो से मुतल्लिक अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, हमें फेसबुक पे फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।